आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा वाकया है कि भाई ये मेरे साथ हुआ तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ मैं काम करता था बैंकॉक में, वहाँ मेरे पास 3 फोटो पड़ी थी, एक सिल्वेस्टर स्टैलोन और उनकी तब फिल्म आई थी रॉकी और यूं पंच करते हुए उनकी फोटो थी, फिर जैकी चैन और श्रीदेवी। तो ये 3 फोटो मैंने रखी हुई थी और कमाल है कि तीनों के साथ मैंने काम किया। तीनों के साथ काम किया। सिल्वेस्टर स्टैलोन जी के साथ काम किया हुआ है, राइट, श्रीदेवी जी के साथ काम किया हुआ है, और जैकी चैन के साथ काम नहीं लेकिन उनसे मिला हूँ, उनके साथ शो किया हुआ। अब ये अपने आप में यही एक है कि एक 6 साल का बच्चा चाय की दुकान पे चाय के गिलास धो रहा है और आज वो ओमपुरी बना बैठा है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। सर वो यही था मेरे ख्याल से, जब मैंने शुरुआत की टीवी पे तो पहले राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो मैं तो उदास हो गया बड़ा। फिर दिल्ली गया मैं दोबारा, ऑडिशन हो रहे थे, मैं किसी पंजाबी चैनल के लिए छोटा मोटा शो करता था, बारिश हो रही थी वहां पे, लग गए लाइन में, 6 बजे शाम को बारी आई। मैं ये नहीं कहता हूँ उस दिन मैंने बड़ा अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जो मेरे से पहले गए थे, उन्होंने काफी खराब किया। तो वहां पे मतलब मेरा दोबारा ऑडिशन हुआ और जिस शो में मुझे रिजेक्ट किया उसी शो में मुझे दोबारा बुलाया उन्होंने, और उसका पहला एपिसोड उस सीजन का और उसकी पहली परफॉर्मेंस मेरी थी, और उसमें दोबारा सिलेक्ट ही नहीं हुआ बल्कि उसके सारे राउंड्स में मैं मैक्सिमम नंबर लेके उसका विनर भी बना बाद में। अगर मेरे जैसा इंसान लिमिटेड टैलेंट के साथ, लिमिटेड शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अनुपम खेर के शो में मुझे आमंत्रित किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अपने अपने रास्ते मिल ही जाते हैं और उन रास्तों पर जो भी मिले उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि वाकई में कुछ भी हो सकता है। How wonderful. How wonderful.